के चोट लागी का भोगड़ा हे मरे से काम बना रहा हूं ना खाली पैसे पैसे दे हटो 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 फोन है देते 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 तारीख तारीख अब चल रहे द पीपल मार्ट के एम्प्लॉयज ने किया बड़े पैमाने पर हंगामा और मचाई तोड़फोड़। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट सोयल होटल के पास मौजूद द पीपल मार्ट के एम्प्लॉयज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्हें काफ़ी महीनों से सैलरी नहीं दी जा रही है। इससे कबल द पीपल मार्ट के जिम्मेदारान के खिलाफ इस सिलसिले में चादरघाट पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी और कंपनी के अहम जिम्मेदारान ने बतारीख 10 दिसंबर को तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें देने का वादा किया था, लेकिन इस वादे से तमाम जिम्मेदारान मुकर गए और तमाम मुलाजमीन ने बरहमी का मुजाहरा पेश करते हुए पीपल्स मार्ट में ज़बरदस्ती दाखिल होकर सामान के साथ तोड़फोड़ की और तमाम सामान को शदीद नुकसान पहुँचाया। इसके बाद बरहमी का मुजाहरा करते हुए तमाम एम्प्लॉयज़ ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इनकी तनख्वाहें जल्द अज जल्द अदा की जाएँ। कंपनी के अहम जिम्मेदारान जो कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो इसी तरह तमाम मुलाजमीन को जहां पर तकरीबन 66 पीपल स्मार्ट के शोरूम बताए जा रहे हैं, तमाम मुलाजमीन को इनकी तनख्वाहें अदा करने के लिए सता रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम मुलाजमीन मायूसी का शिकार हो रहे हैं। वहाँ के मुलाजमीन ने मीडिया से बात करते हुए इस खसूस में तमाम तर तफसीलात भी बताई। रहा है, मैं ओपल का स्टाफ हूँ। ओपल के स्टाफ की मेरी 2 महीने की सैलरी पेंडिंग है, 4 महीनों से फिर आ रहे। मेरी अगस्त की सितंबर की सैलरी पेंडिंग है, सबको फिर आ रहे और सुबह में 2 बजे से लेके 10:30 को बुलाया, फिर क्या करे, 1 बजे सा प्रोटेस्ट करे। 1 बजे से देखो अब 4:53 हो रहे, 4:53 तक प्रोटेस्ट चला तो अब हमको डेट दिए, लास्ट 30 तक है फाइनल डेट बोल के। अब 30 तक आती नहीं आती, नहीं देख नहीं मालूम, और उसमें से भी कट करके देते कहते, अब जो भी हुआ उसके बाद कट करके देते पैसे, ये वो बोल के झूठे बात बोल के वो कर रहे, पैसे नहीं देना चाह रहे। लगा हम लोगों घर में से टॉर्चर है, कॉलेज का फीस बनना है, बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग किसको बोल के बोलना सर। ये देखो सब जने स्टोर के स्टाफ आए, इन लोग किसको भी सैलरी नहीं दिए बोल के पूरा के बैठे हुए। देना है कोई भी पैसे अभी तक नहीं दिए और इतना सता रहे हैं, कर रहे हैं, किसी के कर्जे बाकी है, किसी के EMI भरना है, बैंक वाले घरों पे आ जा रहे हैं, कर रहे हैं, पैसे अभी तक नहीं दिए। और जून 15 से मैं मेरी ज्वाइनिंग डेट है, सितंबर को एंड करा मैं, जब से लेके अब तक 1 रुपया भी हाथ को नहीं आया। अब देते 10 को देते 5 को देते, पूरी डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले भी आए, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे। आज से DSP से लेटर हुआ, पूरा लेटर लिखा है, सिग्नेचर्स लिए, 10 तारीख को देते बोल रहे हैं। और हर महीने को महीना ऑडिट होता, सब बराबर निकलता। अब बात जहाँ सैलरी की आया, हंगामा हुआ बोल के फिर से रीअगेन ऑडिट करते बोल रहे हैं। उसमें शॉर्ट आया तो स्टाफ और मैनेजर की जिम्मेदारी है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, हर एक सैलरी में से शॉर्टेज करते बोल रहे हैं। ऐसा कैसा करते, जब हमला थे ही नहीं तो ऐसा कैसा कर सकते। हर एक का काम है जो ना, जो पैसे लिए, जिस जिसका देना है सो तो भाग गए, और पैसे ये 30 को बोले डेट पे डेट दिए, आज फाइनल हो चुका है। और पूरा पुलिस वाले भी आ गए, 15 बोले, 10 बोले डेट आ गई, अभी भी ऊपर बोले, ऊपर 15 बोले, फिर 25, 20 बोले, फिर 25 बोले, इस बार 30 को नहीं आई। क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम, इस बार पैसे आना तो आना है, बात खत्म होगी।
150-200 बच्चे हैं सर, जिससे हर एक के में पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। इतना स्टाफ का, इतने जनों का, स्टेट का पैसा आना है, कब देते भाई? क्या लाख 2 लाख रुपए नहीं है हर एक को? 40-45-50,000 बोले तो नहीं, बोलते 2-3 करोड़ न्यू निकल लेते हर एक का, एक एक का स्टोर का। कौन इसको खोल के समझ बैठेंगे? क्या मेहनत के पैसे खा रहे हैं? किसी का ऐसा उधार लेके नहीं कर रहे हैं कि एक भाग जा रहे हैं, कर रहे हैं हराम महीने पर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ले रहे हैं, हर एक को जिम्मेदारी है। कोई भी सामने वाला कब तक खामोश बैठेगा? हर एक को जिम्मेदारी है, हर एक की घर घिसती है, क्या कर सकते बोलो? आखिर एक ना एक दिन पानी सबके ऊपर है, सब्र रख रहे हैं, सब्र रख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, सीधा उसके बाद ख़त्म। तो पानी सर के ऊपर हो गया, हर एक उठने पर उठना पड़ा, पैसे मिलना बहुत ज़रूरी है, और 30 को फाइनल हो गया, पैसे अमाउंट आना ज़रूरी है। और तो बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता, ये रिऑडिट ये सब फालतू बहाना है, ये सब पैसे नहीं देना है, बल्कि एक गैप दे रहे हैं, लगा टाइम ले रहे हैं। देखो अभी 30 को है, क्या हो सकता है? मैं उसकी मदर हूँ, मैं ई स्टोर के, हाँ ई स्टोर की मदर हूँ, उसके बच्चे की मदर हूँ मैं। 5 महीने से पैसे नहीं दे रही, अम्मी डेट पे डेट दे रहे हैं, बोलते मैं जाके सबके पूरे स्टाफ होंगे नहीं, मेहनत सैलरीज नहीं दे रही, कैशियर के हेड काउंटर है बच्चा मेरा, पैसे नहीं दे रहे। मंथली 1 मंथ बोले चलेगा, 2 मंथ बोले चलेगा, 4 मंथ 5 मंथ से वेट करी सर मई, पूरा दूसरी जगह बाहर से खर्चा करे, खर्चदार हम बैंक वाले हमारे घर पे आ रहे, हमको फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ सर, कहीं नहीं हुआ ऐसा। 40,000 रुपए आना है, 60-70,000 दूसरों के आने के है भी। आप लोग कितने दिन से नहीं दे रहे सैलरी? 6 महीने से नहीं, उससे पहले आए थे ना, उससे पहले भी आए थे, खाली डेट दिए फिर चले गए, खामोश बैठ के चले गए। या 10 तारीख को क्या बोले उन्होंने, शुरू से 10 तारीख को क्या बोले, आप लोग आइए 10 तारीख को मिल जाता पैसा, बोले नहीं दे सके तो कुछ ना कुछ करो आपकी मर्जी। मैनेजर का नाम क्या है, स्टोर मैनेजर कौन है? इब्राहिम। तो आप लोग आके इससे पहले भी नहीं बोले सैलरी कहीं नहीं दे रहे? बराबर पूछे, फिर डेट दिए उन्होंने, क्या बोल रहे ये महीने ये डेट पे आपकी सैलरी आ जाती, बोले अकाउंट नंबर भी लिए, सब पूरे डिटेल्स ही, हाँ हर तला से हर चीज से दे दिए, पूरे दे देने के बाद भेज दिया कर दिया, फिर गलती हुई बोले इतने बच्चे ठहरे हुए लॉकडाउन की वजह से, पूरे सैलरी की वजह से है, पूरी सैलरी पूरे स्टाफ है, एम्प्लॉय पूरे सैलरी के। दिल्ली ई स्टोर इंडिया एक्रेडिया कंपनी से आने का है सैलरी, तो एक हफ्ते में आएंगे बोल करके, बोले बात करे अभी एक हफ्ते में आएंगे सैलरी, सब कुछ ठीक करे, से 6 महीने से दे रहे, सही बात है, वो टाई अप हुआ है कंपनी से, ई स्टोर इंडिया कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी से टाई अप हुआ है, इसका नाम एक्रेडिया है, तो टाई अप में थोड़ा देर हो गया, लेकिन अभी एक दो भी बच्चे नहीं है ना साहब, 150 बच्चे जी हो, जी हो ना, 150 तो नहीं है, 150 नहीं है वो, हाँ, वो दिल्ली से आना है सैलरी, वो इधर से आपके साथ भी नहीं है, बच्चों की आना है नहीं, यहाँ पे तो 50,000 लोग हैं, उनकी सैलरी आने का है, हाँ तो आपसे नहीं है, 6-6 महीने की सैलरी, 6-6 महीने की नहीं है, 4 महीने 3 महीने ऐसा है सबकी, वो 6-6 महीने बोल रहे हैं, 6-6 महीने बोल रहे हैं, 6-6 महीने बोल के बोल रहे हैं, जो है कि बेटी की जो है 2 महीने 3 महीने से कुछ नहीं मिली सैलरी, 21,000 वही तो बोल रहा हूँ मैं, 2 महीने की है किसी की, 1 महीने की है किसी की, 4 महीने की, 6-6 महीने की नहीं है किसकी भी सैलरी, इससे पहले भी आप सैलरी देते पहले भी जी हाँ जी, हम नहीं कह रहे, वो दिल्ली से जो आता है हम यहाँ पे बोल देते हैं, दिल्ली से बोलते अभी तो हो गया, अभी जाइए अभी, नहीं नहीं अभी हो गया, दिल्ली से होता हूँ, दिल्ली जो हेड ऑफिस है ना, जो हेड ऑफिस है वहाँ से आता, आप जाइए, आप दिल्ली को जाके आप बोलिए, आप दिल्ली से बात करिए, जाके दिल्ली में जाके आप पूछिए, मेन ऑफिस दिल्ली में, इसका सैलरी का इशू तकरीबन 200 स्टोर का इशू है, ये जो पब्लिक ठहरी हुई है पूरी सैलरी के लिए ठहरी है, कहना है उनकी बच्ची को आपके रेफरेंस पे लगा है, तो आप रेफरेंस अपॉइंट इधर से कर रहे थे, हाँ मैं इतला करते गया, मगर डेटा बदलते जा रहे, खाली सैलरी नहीं मिल रही, खाली डेट मिल रही बस। आपसे कब से टच में लोग अपॉइंट कर रहे हैं? जब से है कहाँ पे? आपका जॉब यहाँ पे नहीं है साहब, मेरा नाना नगर पे मैनेजर थे, मैनेजर था मैं, मेरे कैशियर थे इन्हों बच्ची, आपकी सैलरी बराबर आई नहीं मिली मेरी भी, दो महीने की आने का है, दो महीने की मेरी सैलरी आने, जितने बैठे हुए यहाँ ठहरे हुए सबके सैलरी आने, 5 महीने 6 महीने आओ मोहन भाई सामने आओ, आप कितने साल से जॉब कर रहे? 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से रिस्पॉन्स कैसा है? जब अच्छी आ रहा था भैया, 6-8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, रीज़न क्या है? वो हमारी बेटी जो है जॉब कर रही थी 5 महीने से, 10 तारीख को आओ, 15 तारीख को आओ, 20 तारीख को आओ, 21 तारीख को आओ, अब जो है ना उन्हें उसका ओनर का बेटा है, कहते गुंडों को बुला रहा, मारते तोड़ रहे बोल के, गुंडों को बुला के पूरा कैमरा उधर घुमाओ, बोलो वो पूरा गुंडे मिलके जो आके ठहरे, वो ओनर का दादा था, कहते उन्हें भाग गया, 21,000 रुपये। तो आप अब तक नहीं बोले? अब तक नहीं बोले, सिर्फ डेट लेके चले गए, हम उनको इससे पहले ही बोले, हम बोले देखिए नहीं 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 जी, एक रुपया भी नहीं जी। क्या बोले आपको? डेट दिए खाली, 10 तारीख को आओ, 15 तारीख को आओ, 11 तारीख को आओ, हम वो तारीख को बराबर आए, पूछे इनको और फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठा रहे,
आपकी बच्ची के पैसे अकेला बात है और भी नहीं, नहीं 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 तकरीबन जो है तो 60-70 आदमी है, तकरीबन हर स्टोर के जो है तो लोगों के पैसे बाकी है। आपकी बेटी की कितने महीने की सैलरी बाकी है? 21,000 रुपये आने का है, दो महीने 5 महीने से 2 महीने की सैलरी के लिए फिर हम। तो मेन ओनर कहाँ है? आप नहीं मिले? नहीं, अपॉइंट करे वाले भैया मुकरम साहब है, ये जो जर्किन पे पट्टोंगी ठहरे ना, इन्हों अपॉइंट करे, और वहाँ का मैनेजर था खुद्दूस साहब, ये हमारी बच्ची को इन्होंने जो अपॉइंट करे। डेट है मेरी ये मंथ की 2022 जून 15, जब से चढ़ा अब तक पूरी मेरी सैलरी नहीं आई, एक रुपया नहीं करे, शुक्र करो फिर भी मैनेजर अच्छे थे, जो भी हुआ उनसे करे, उन्होंने बोल रहे ये डेट देते वो डेट देते, बोल रहे 5 मिनट भी दुकान लेट खोली तो वो आरिफ बहन का उसकी लाहौल वाला खत, मगर आरिफ बोलता 5 मिनट दुकान से कहीं को खोले, हाँ अगर बोलता फोन करके एक बड़े बात हम बहुत हो रहे हैं, कैमरे के सामने रहते स्टाफ बैठा हुआ है, कैमरे के सामने नहीं दिखते बोलते। अरे भाई पेशेंट से अल्लाह ऐसा नहीं बोले, पेशेंट से हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर रहता, उन्होंने बोल रहे हैं सैलरी नहीं देते। जून 15 से ज्वाइनिंग डेट है मेरी, एक रुपया ढेला नहीं लगा हाथ को मेरे, एक रुपया जून 15 खामोश बैठे, वारिफ बोलता कैमरे में नहीं दिख रहे, वो नहीं दिख रहे, मैं वाला पैसे आप देते इज्जत से भी आगे बात करें, हमको कोई शौक नहीं है लड़ने का करने का, अगर कोई पैसे नहीं दे रहा, उन्होंने खुद बोले पैसे नहीं दिए तो हमला मार, हमारा आके गला पकड़ो, आप हमारे से बात करें, सैलरी देने वाले भी हमला ही छे बोल रहे हैं, तो ये कहाँ है पैसा, कहाँ है, कहाँ चले गया? श्रद्धा सर बोल रहे हैं बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पूरा फ्लैट बेच के पैसे देता हूँ, बोल रहे अपने कहाँ है पैसे, कहाँ है बोलो। फिर अकबर सर बोले नवंबर रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग सुना तो ठहरो, ऐसा कैसा नहीं होता। अकबर सर बोले नहीं हम नहीं देते, हम क्या कर सकते, और मुकरम सर बोले बड़े तमीज़ की तमीज़ नहीं है आपको, हला हर चीज़ की तमीज़ है, हम हर चीज़ की तमीज़ करते, वैसा नहीं, हर एक की रिस्पेक्ट है, जब इंसान अपनी खुद अपनी इज्जत उतार ले रहा तो कोई किसी की इज्जत नहीं करता, चाहे मोमिन रहें तो नॉन मुस्लिम रहें तो बात वैसी बड़ी बात नहीं है, जस्टिस जस्टिस रहता सब खलास तय रहता, पैसे होना आज पानी सर के पर हो गया, चलो भाई आज नहीं तो कल कर ले, तो उम्मीद रहती भाई एक इंसान को। पूरे तकरीबन हैदराबाद में जितने भी स्टोर से एक जनों की भी स्टोर टोटल हैदराबाद में तकरीबन 66 स्टोर से हर एक की सैलरी नहीं बोले तो भी 60,000 तो मिनिमम आना है। करे 30 तारीख नवंबर 30 को चादरगढ़ पीएस ऐसा पुलिस वाले खुद धमका के गए 30 को बोल के, अब पुलिस वालों को तो नहीं मालूम 30 को देते 10 तारीख को देते बोल के, उसके बाद पीएस को नहीं गए, नहीं हमला तो नहीं गए, मैं तो मैं दूसरी जगह था मैं इस वक्त, या मेरे को पूरी न्यूज़ आती रहती डेली की, इसलिए बोले नहीं ये तो अगर आप क्या कर सकते करो बोले। अब आप लोगों का क्या है, अब क्या करना चाह रहे हैं, आपका मुतालबा क्या? अमाउंट दे दो भाई, हम लड़ना नहीं चाह रहे भाई, अमाउंट दे दो, हम काम इज्जत से चल जाते, देखो हमला क्या सोचे, चलो भाई ना पैसे नहीं दे रहे हैं। स्टोर मैनेजर से किसी से बात हुई कुछ? हाँ स्टोर मैनेजर खुद बोल रहे हैं, स्टोर मैनेजर को दे रहे हैं, स्टोर मैनेजर को खुद धमकियाँ दिए नहीं देते भाई बच्चों को, बोल दिए कहाँ से लगे ऐसा। ओनर से आप लोग की बात नहीं हुई? मेन ओनर ये छे लगा जो भी है मुकरम इल्लो से भी हमारे को लगाए जॉब भी लगाई जो भी इनसे बताए बोला इनसे से कंपनी से नहीं है स्टोर के मेन ओनर बोल रहा हूँ जो मेन स्टोर हामिनी रेड्डी बोलकर है स्टोर के ओनर है उन्होंने क्या बोल रहे हैं उनके खुद 25 लाख डूबे हुए हैं स्टोर पे पैसा नहीं आ रहा कस्टमर्स नहीं आ रहे माल नहीं आ रहा क्या आ रहे हैं आते 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 बोल के कस्टमर जहर खा के मर जा रहा मगर पैसा नहीं आ रहा फिर स्टोर पूरा भरे हुआ कैसा चल रहा है ये अब है ये सब अब है ये स्टोर भरा हुआ का भरा हुआ ऐसा तो हमारे पास भी है ये सब ये दालचीनी का पट्टा है ये दाला वाला कुछ नहीं होते माल कहाँ है लेने के देले जो चीज़ इंसान को जो जरूरत रहती वही नहीं रहता जब भी कस्टमर आता वो नहीं रहता इसलिए मेरे को मेरा अमाउंट दे दो मैं खलास क्लोज द मैटर मेरे को होना अमाउंट नहीं मिला उन्होंने बोले और वहाँ आपके हिसाब से 150 बच्चे बोल रहे हैं आप कितनी पड़ती सैलरी करीब से करीब 40,000 रुपये पड़ती किसी की 30,000 रुपये पड़ती मैक्स मैनेजरों की हद तक तो 70,000 पड़ती एक एक मैनेजर की तो नहीं बोले कि कितने लाखों का पैसा आया करोड़ों तक चल जाती है एक एलबीए रेस्टोरेंट की बच्ची है उसके 1.5 लाख रुपए देना है कहते कभी 1.5 लाख जिंदगी में देखे ओके आते 1.5 लाख नहीं आते फिर कहाँ से होता ये सब नहीं होता। मैंने उनको
चलो बाहर चलो।